करते हैं रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। सभी आपकी मेजबान आपकी खिदमत में हाजिर है। बात कर रही हूँ मदद की और इस वक्त किन लोगों की आपकी जरूरत है। हम अपनी आंखों से ये खूबसूरत रंगीनियाँ देख रहे हैं, मेरे रब के खूबसूरत रंग देख रहे हैं और मैं इस वक्त यहाँ पर पानी देख रही हूँ और ये मैंने बतखें भी देखी हैं और ये फूल भी देख रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है और कुछ देर के लिए अगर मैं आंखें बंद कर दूँ तो मुझे कुछ नज़र नहीं आएगा। तो सोचें जिनकी नज़रें नहीं होती तो उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी और इस वक्त वो हमारी मदद के तलबगार हैं। अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल इस वक्त हमारी तलबगार है क्योंकि हमारे तलबगार यूँ हैं कि हमें उनको डोनेट करना है और अल्लाह पाक ने ये रमज़ान का जो महीना दिया है वो अपना ज़कात आप दें, आप अपने माल में से अपने हिस्से में से जो भी आपके पास मौजूद है आप उसमें से चाहे थोड़ा सा दें मगर दें ज़रूर। इस वक्त वहाँ से एक रेलेवेंट पर्सन मौजूद हैं, डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं और ये मौजूद हैं शोएब शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बहुत दूर एक जगह पर सालेह साहब ने एक बुनियाद रखी अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल की। मैंने वहाँ देखा बहुत ही मुतवसत तबके के लोग, बहुत ही नीडी लोग जिन्हें कहते हैं ज़रूरतमंद। मैं क्योंकि पूरे आपके उसका विज़िट किया था और अफोर्ड नहीं कर सकते वो, उन बच्चों को मैंने देखा। अच्छा, हर एज के बच्चे थे, छोटे थोड़े बड़े, बूढ़े, औरतें, मर्द, सब थे। मैं सोच रही थी कि इनको हैंडल कैसे करते होंगे। इस वक्त मैंने देखा कि उन्होंने कहा हमारे डॉक्टर्स की तो कमी कोई मसला नहीं लेकिन इस वक्त हमें डोनेशन की ज़रूरत है। इससे पहले उन्होंने कभी भी नहीं डिमांड की। तो क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, असल में क्या है कि अभी कोविड की वजह से भी कुछ हालात जो है वो अप डाउन हुए थे। पिछले 2-3 साल से जो है वो थोड़ा सा फाइनेंशियल जो है क्रंच आया है हमारे पास जी। लेकिन ये कि हमारा हॉस्पिटल जो है वो पिछले 1990 से मतलब ये एक छोटा सा एक सेटअप था अपना मेमन गोट में जहाँ पे साले साहब ने उसको फाउंड किया था। तो उसके बाद फिर 4 साल के बाद उसको मूव करके फिर ये 94 में ओल्ड थाना में आ गया। तो वहाँ पे तब ये छोटा सा एक सेंटर था, 20 बेड्स हैं हमारे पास। तो अब ये एक्सटेंड होके एक्सपेंड होके जो है अब ये तकरीबन 80 बेड्स हैं हमारे पास। तो एक बड़ा एक अच्छा एक टर्शरी केयर सेंटर बन गया है। तो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं और हमारा स्टाफ है जो बहुत अच्छा और मतलब सच्चाई से अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ जो है सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये कि उनको ऑब्वियसली सबकी फिर पेज वगैरह रन करने के लिए थोड़े डोनेशंस चाहिए होती हैं। तो उस सिलसिले में हम चाह रहे थे कि लोग जो है हम अभी डोनेट करें ताकि फिर हम गरीब लोगों की जो है मदद कर सकें, अच्छे से अच्छा जो उनका इलाज कर सकें हम और उनके ऑपरेशन सर अंजाम दे सकें हम। बेशक। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब की बात सुन रही थी कि ऑफकोर्स उन्होंने कहते कि हमारे सालेह साहब ने इसकी बुनियाद रखी और सब डॉक्टर्स मौजूद हैं, सर्जन मौजूद हैं, स्पेशलिस्ट सब मौजूद हैं, लेडीज़ मेल फीमेल सब हाजिर हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि तादाद ऑपरेशंस की बढ़ती चली जा रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चे, मैंने 6 मंथ के बच्चों को देखा है कि जिनकी आईज का कुछ प्रॉब्लम है। फिर मैंने कुछ ऐसे लड़कों को भी देखा जिनका एक्सीडेंटल ऐसा भी है ना, उनकी आईसेट की डैमेज हो गई, नसें वगैरह कुछ ना, उनको ज़रूरत है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने लड़कों को देखा, यंग से थे, मैंने उनके सर पे भी हाथ रखा, मैंने कहा आप परेशान ना हो। मैंने क्या हुआ था, मैं सोचों में पड़ गई, मैंने इतनी उम्र गुजार ली तो आपने आँख का ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया? वो पता चला वो एक्सीडेंटल उनके साथ प्रॉब्लम थी, शायद बाइक से गिर गए थे। तो उस वक्त सब जो मैं जितना विज़िट किया मैंने देखा उस वक्त 90% लोग जो है वो ज़्यादा ज़रूरतमंद थे, जिनको ज़रूरत थी वो हॉस्पिटल जो है इतना बेस जो है ना वो उठा नहीं सक रहा, इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा उनके ऑपरेशंस के लिए। डॉक्टर्स तो मौजूद हैं तो प्लीज़ मैं अपील करूँगी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल की मदद करें, मुझे ना दें प्लीज़। आप इनका कॉन्टेक्ट नंबर है और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप ख़ुद वहाँ जाएँ और मुतमईन हो जाएँ और जब मुतमईन हो जाएँ तो उनकी हेल्प कर दें। हम हर तरह से
मैं भी अल इब्राहिम का समझ ली, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को हिस्सा बनाना चाहती हूँ कि शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वाज हमारे दरमियान मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम वाज, ये बहुत स्पेशल गेस्ट है हमारे। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ सभी, आप कैसी हैं और आपका कल का रोजा कैसा गुजरा? अरे वाह बहुत अच्छा गुजरा। मैं एक बात पूछना चाहूंगी वाज, अभी यहाँ पर आई हॉस्पिटल का मैं मैसेज दे रही थी, आप बहुत सर भी गिरा रहे थे, तो डॉक्टर साहब से क्या सवाल करना चाहते हैं? बच्चे वहाँ पे बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन उनके अम्मी अब्बू के पास पैसे भी नहीं है, तो क्या करना चाहिए फिर हम सबको? हम सबको उधर पैसे अपना कुछ जितनी आप डोनेट कर सके करेंसी उतनी आपको डोनेट करनी चाहिए, चाहे वो नहीं क्यों ना हो, 1,000, 5,000, 10,000 डोनेट करने चाहिए, अल्लाह पाक कबूल कर लेते हैं, उनकी हेल्प भी हो जाती है। बिल्कुल, और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, ऑफकोर्स ये प्रोग्राम आप सुबह जो है रिपीट में भी देखेंगे और YouTube पर भी ये अपलोड होगा, पूरे पाकिस्तान में वेनेस एचडी देखा जाता है, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहूँगी जहाँ जहाँ उम्मत मुस्लिमा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल शायद जिन लोगों की नज़रों में कमी है और रंगीन दुनिया से महरूम है, शायद आपकी थोड़े से पैसे उनको मिल जाए और उनकी ये खूबसूरत और नूर आँखें अल्लाह ने जो दी हैं वो अल्लाह के खूबसूरत नज़ारे से महजूज हो सके। जी मैं आपसे शोएब साहब बात करूँगी, जब आपके पास कुछ लोग आते हैं बच्चों को लेके, मैं बच्चों की बात इसलिए करती हूँ बच्चे बहुत मासूम होते हैं, तो उनके माँ बाप जो हैं वो ऑफकोर्स कहते होंगे कि मतलब हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि मैंने उनको देखा ना बोलते सही मुझे नहीं ऐसा, मैंने थोड़ी उनकी उर्दू भी नहीं थी, बहुत मासूम लोग थे वो, तो वो जब नहीं कर सकते तो फिर आप लोग कैसे हैंडल करते होगे? देखिए बेसिकली वही फिर आ जाते हैं आपके जो ये फंड्स होते हैं और ज़कात का जो सारा आपके अमाउंट वगैरह होता है, उनमें से उनके सारे जो प्रोसीजर्स हैं, चाहे उनके जनरल एनेस्थीजिया के अखराजात हों या मतलब ऑपरेशन के जो भी प्रोसीजर्स उनके हो रहे हैं उनके अखराजात हों, तो वो उसी से मतलब ये जो हमारे फंड्स हैं या ज़कात या डोनेशन उनकी मदद करते हैं। जी जी बिल्कुल, उससे ही बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक और बात बताऊँ, ये कोई लाखों रुपए की बात नहीं हो रही, जैसे हम लोग कभी अपने देखो कि एक रोज़े की अफ्तारी को हम 200 रुपए कहते हैं ना, जी आप कितने देना चाह रहे, तो अपने एक रोज़े की जो है ना अफ्तारी वो 200 बनती है। आइज का ऑपरेशन 8 to 10,000 एक पर्सन का होता है, ठीक है, आपकी मर्जी, आप 2% मुकर्रर करें या 3, आप अपनी नियत कर लें कि मैंने 3 लोगों की नज़रों को लाना है वापस, तो आप जो है ना 30,000 दे दें, आपके पास है नहीं है, आप कहते हैं मैं चाहता हूँ कि अल्लाह पाक मेरी इस डोनेशन से शायद किसी एक बच्चे की आंखों की रोशनी बहाल हो जाए, तो आप 10,000 दे दें, तो कोई ये नहीं है कि हम समझ आप करोड़ों रुपये आप दें, वो तो आपकी इस्तात है, आप शायद 100 लोगों की आंखें सही कर दें, बिल्कुल किसी के दिल में बात आ जाए तो मैं कौन होती हूँ, वो तो रब डालेगा ना आपके दिल में, बेशक, तो हो सकता है आप कहें यार ये लो 1 करोड़ रुपए ले लो और ये सारे बच्चों की आंखें ठीक कर दो, तो वो मेरा रब गफूर रहीम है, और आपकी यहाँ पर डोनेशन देना वो रब वहाँ से कबूल कर लेगा, आप फिक्र ना करें। और मैं कहती हूँ कि ये इस वक्त जो लम्हा है ना रमज़ान का, जो हम इबादतें करते हैं, मेरे रब ने ये सजदे अल्लाह पाक कबूल करे और आपका लेन देन कबूल करे, आपकी ये खुशियाँ, आप अपने बच्चों का, कुछ लोग अपने बच्चों के लिए भी ऑफकोर्स कुछ सदका देते हैं, कोई खैरात देते हैं, कुछ ज़कात देते हैं, हर कोई अपना अपने तहीं कुछ ना कुछ कर रहा होता है, और इन तमाम चीज़ों से अल्लाह पाक जब कबूल करते हैं ना तो आप पे आने वाली बलाएँ ना यूँ टल जाती है, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही, हमें अपने बच्चों को ये सब इसलिए बताते हैं, हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, आप कुछ इसके बारे में ये भी बताएं कि जब आई बुजुर्ग हैं जब आंख में मोतिया आ जाता है तो ये क्या तकलीफ का प्रोसीजर होता है, कितने मतलब ये एक बार ऑपरेशन होता है, दो बार होता है, कितनी बार होता है? देखिए बेसिकली क्या है कि दो तरह के मोती आते हैं, एक तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो आपने जैसे बताया कि बहुत दूर से आ रहे होते हैं, अंदरूनी सन से आ रहे होते हैं या पाकिस्तान में से और शहरों में से आ रहे होते हैं, तो काफ़ी लोग जो है वो लेट कर देते हैं आने में, तो देर हो जाती है, तो काफ़ी जो मोती जो है पके हुए होते हैं, तो फिर इतने पके हुए होते हैं उनका जो है मतलब बिना टाके वाला ऑपरेशन का नहीं हो पाता, तो टाके वाला ऑपरेशन करना पड़ जाता है उनमें, तो
असल में पता है कि इसमें शो थोड़ी सी आगाही भी नहीं होती। जी, बताइए कुछ। और उसके अलावा आजकल यूजुअली जो हम आजकल जो शिफ्ट हो गए हैं बिना टाके वाले ऑपरेशन की तरफ हो गए, जिसको हम फेको इमल्सिफिकेशन कह रहे हैं, फेको कह रहे हैं, तो ज़्यादातर कोशिश हमारी यही होगी उसी पे वो ऑपरेशन हो जाए। पेशेंट्स भी ये प्रेफर करते हैं कि हमारा जो है ना बिना टाके वाला ऑपरेशन हो जाए, क्योंकि दूसरी बार फिर हमें आना ना पड़ जाए टाके निकलवाने के लिए। ओके। तो उससे ये है कि फेको की एक और ब्यूटी है कि अगले दिन कुछ दिनों में विद इन वन वीक या विद इन फ्यू डेज जो है विजन बहुत अच्छी मिलती है पेशेंट को। उसमें 40 दिन 50 दिन 2 महीने पेशेंट को सब्र करना पड़ जाता है टाके वाले ऑपरेशन में। ओके। तो इसमें यूजली ऑपरेशन तो एक ही होता है, उसके बाद फिर फॉलोअप्स होते हैं पेशेंट को, और जब पेशेंट जब ठीक से देखना शुरू हो जाता है तो उसको हम घर भेज देते हैं। कितने दिनों में ऐसा होता है कि जब वो एक आंखों पे पट्टी लगती है, फिर उसको उससे जहन में बन रहा होता है कि मैं अब देख सकता हूँ, तो कितने दिन में ये पट्टी वगैरह इसको रिमूव कर दी? पट्टी तो हम अगले दिन ही रिमूव कर देते हैं। जी ठीक है। उसके बाद फिर हम उनके आई ड्रॉप्स जो हैं पोस्ट ऑप, थोड़ी एहतियातें भी बताते हैं, ऑफ कोर्स कि धूप से बचें, रोशनी से बचें, वजन नहीं उठाना। ओके। जिस तरफ आपका जिस साइड का आपका ऑपरेशन हो रहा है उस साइड पे आपने सोना नहीं है। ओके। ठीक है। तो थोड़ी रिस्ट्रिक्शन इंस्ट्रक्शन किचन से, खवातीन है जैसे हमारी, तो उनको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं ज्यादा किचन की तरफ, स्पेशली पहला हफ्ता जो है वो थोड़ा ख्याल करें। ओके। और यही है, मतलब ज्यादा कोशिश करते हैं स्पाइसी चीजें नहीं खाएं, कोई भी चीज ना, जैसे आँख में पानी है। ओ, तो ये बात बहुत अच्छी। हाँ, कुछ केमिकल्स भी ऐसे होते हैं कि कभी किसी जगह पर हम एकदम रूम में जाते हैं ना, वहाँ कहीं नया नया कलर होता है, वो सीधा आपकी आंखों पे हिट करता है। ऐसा सही कहा आपने। या कोई मसाला भूने तो तब भी हमारी आंखों में, या प्याज काटते हुए, ऑफकोर्स ये नहीं बहुत अच्छी बात की, जो शायद हमारी अवेयरनेस नहीं है, हमें नहीं नॉलेज ना कि कभी आंख का ऑपरेशन है, सो के कल से जाके अपने रूटीन के मुताबिक काम करते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ शोएब साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कुछ सवाल पूछना हो या कोई भी बात करनी हो। वैसे इनका स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। हम चलते हैं वहाज के पास। और वहाज, ये बताइए आप, आज आपने कल का आपने रोज़ा क्यों नहीं रखा, पहले तो ये बताएं क्यों भाई? कल का मैंने रोज़ा इसलिए नहीं रखा क्योंकि कल पहला दिन था रमज़ान का, तो मुझे थोड़ा मैं फील हो रही था, मैं सोच रहा था कि यार अगर मैंने रख लिया कहीं ये ना मैं गड़बड़ा जाऊँ या गला सूख जाए, मेरा आवाज खराब ना हो जाए पढ़ते वक्त। अच्छा, मैंने नहीं रखा। अच्छा, तो फिर आज रख लिया? आज रखा है मैंने। कल का तो अम्मा ने भी मुझे मना किया था कि नहीं रखना है। ओके, ये बात। हालांकि मैं पहले शहरी में कह रहा था कि नहीं मैं रख लेता हूँ। कल आप कहाँ गए थे? कल मतलब कहाँ गए थे? आप यहाँ से गए थे ना? अपने यहाँ से, यहाँ मैं अपनी फूफी के यहाँ गया था यहाँ से। अच्छा, वहाँ पर खूब रोजा वोजा खोला? जी, वहाँ खूब रोजा खोला, मेरे सारे कजन्स थे। उसके बाद हम लोग चले गए थे पार्क, फिर वहाँ हम लोगों ने फुटबॉल खेली थी। क्या बात है। अच्छा, ये बच्चों की एक्टिविटी है बेसिकली वहाँ जो है। माशाल्लाह, मेरे स्पेशल गेस्ट भी हैं और ये यंग मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जहाँ पर भी ये डिबेट में खड़े हो जाए तो समझ लें फर्स्ट ट्रॉफी तो वहाँ आज की हो गई। और मेरी प्यारी बहन मौजूद है, मैं सोचूं एक नात आप सुना दें और फिर हम अपने सेगमेंट की तरफ आगे चलते हैं। जी, आखिरी वक्त में क्या रौनक दुनिया देखो, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो प्यारे आका, अब तो बस एक ही धुन है मेरे माला, मेरी बार में जी भर के मदीना एक बार देखो।
प्यारे आका अब तो बस एक ही धुन है मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे मेरे मौला सबकी आंखें उनको वापस कर दे ताकि इस बार मैं जी भई देखो अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखो प्यारे आका अब तो बस एक ही धुन है जानिया दे जालिया देखो के दीवानों दरों बाबे हरम अपनी मौजूरी निगाहों से मैं क्या क्या देखूं अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखो अब तो बस एक ही धुन है मैं कहाँ हूँ ये समझ लो तो उठाओ नजरे मैं कहा हूँ ये समझ लो तो उठाओ नजरे दिल जरा संभल तो फिर गुम बंदे खजरा देखो अब तो बस एक ही धुन है के मदीना देखो प्यारे आका अब तो बस एक ही धुन है बहुत शुक्रिया मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दी उन लोगों के लिए जिनकी नजरें नहीं है कि जब जी भर के मैं मदीना आके वापस आ जाए तो क्यों ना हो तलबगार हम उस जगह के उस दर के कि काबा शरीफ हमें नज़र आए मदीना मुनवरा नज़र आए मौला अली का सजदा नज़र आए मौला अली का इमामा और मैं क्या क्या बोलूँ मेरे पास इतने अल्फाज नहीं है जब मौला अली की बात होती है अली अब्बास की हज़रत हुसैन की उन सब की ज़्यारतों की अल्लाह पाक इन आँखों को नस्बत दे हमें नसीब दे कि हम जाकर उनकी ज़्यारत कर सकें मेरे पास जब भी मौला अली का जिक्र करती हूँ मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं देते उनकी कुर्बानियों की उनकी बहुत सारी बातों की और अल्लाह पाक हम सब की नज़रों को सलामत रखे ताकि हम इस पुर नूर महफिल को इस अल्लाह पाक की तमाम कायनात की हसीन वादियों को अपनी आंखों से देखें शेख साहब बहुत अच्छा मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं डॉक्टर साहब जो लोग आंखें अपनी डोनेट करना चाहते हैं अपनी आंखें तो उसके लिए कोई एज लिमिट है यानी अगर किसी बच्चे के लिए करना चाहते हैं तो बड़े भी कर सकते हैं बूढ़े भी जवान भी और बच्चे भी या जो है वो अपना कोई एज लिमिट है एज लिमिट इस हिसाब से अगर आप डोनर की बात कर रहे हो ठीक है तो उसमें जो है जो 60 साल से ऊपर जो है वो डोनेट नहीं कर सकते अगर मरीज जो है 60 साल से ऊपर है तो उसमें आँख डोनेट हो सकती है ठीक है वो ले सकता है जी। लेकिन जहाँ तक देने की बात है तो 60 साल से अगर ऊपर है तो वो दे नहीं सकता और एक साल से जो कम है उनमें ये नहीं कर सकते हम क्योंकि वो एक साल से कम वाले वो भी नहीं डोनेट कर सकता अगर डोनर जो है एक साल का से कम है ना वो भी नहीं कर सकता क्योंकि उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो
ये दो ऐसे एज लिमिट काउंट एज लिमिट ये दो ऐसे हैं, अदरवाइज बीच में जो भी है वो डोनेट भी कर सकते हैं, आपके जो रिसीव भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हैं जिनसे हम दुनिया के रंग दे सकते हैं, तो वो बेचारे बच्चे जो बाय बर्थ जिनके पास जो है वो अपना आंखें नहीं है, उन बेचारे उनके क्या होता है, उनका कोई ट्रीटमेंट होता है या नहीं, उनको पहले चेकअप करवाना पड़ता है? जी बिल्कुल, अगर आप वो बात कर रहे हैं कि आंखें बनी नहीं कुदरती तौर पे, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में जो है एनोप्थल्मिया कहते हैं, तो उसका तो आगे जाके हम काउंसिल करके जो है मस्नूई आंखें लगा सकते हैं, रोशनी की उम्मीद अब तक जो है रब की हाथ में है, अल्लाह के हाथ में। बहुत शुक्रिया आज आपने मेरे साथ रहना सिस्टर, आपका बहुत शुक्रिया। शिव साहब आपका बहुत शुक्रिया, बैठे यहाँ पर, लेकिन आपके साथ सेगमेंट का अख्तिताम करती हूँ और मैं उनकी भी बात करूँगी ऑफकोर्स, जो हमारे नौजवान हैं और नौजवानों के लिए भी बहुत कुछ है, और नौजवानों के लिए कमांडर सिटी की जानिब से कमांडर सिटी ने दिया है आपको एक बड़ा विजन आगे बढ़ने का, कदम उठाने का और कुछ कर दिखाने का, तो विजन 2040 का हिस्सा बने। देखते हैं उनका स्पेशल सॉन्ग विद स्पेशल पैकेज के साथ, लेते हैं यहाँ पर छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमजान के साथ।